बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन और टीम के नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच निक ली कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं और दोनों ही क्वारंटीन में चले गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले दौर की जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खेल फिजिशियन डॉक्टर देवाशीष चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस मामले में हमारे सलाहकार ली के मामले की जांच कर रहे हैं और ये नया या पुराना संक्रमण है, इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। अक्टूबर नवंबर के श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ट्रेनिंग कैंप इस महीने के आखिरी में शुरू होना है और बांग्लादेश में अभी तक कोरोना संक्रमण के 3 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं और 4500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। बता दें कि बांग्लादेश के कई क्रिकेटर अब तक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। बांग्लादेश के पूर्व स्पिनर मुशरफ़े हुसैन, पूर्व कप्तान मशरफ़े मुर्तज़ा, नजमुल इस्लाम और नसीफ इकबाल भी कोरोना वायरस संक्रमित हो चुके हैं। बांग्लादेश का एक अंडर 19 क्रिकेटर इफ्तिकार हुसैन भी कोविड-19 की चपेट में आ चुका है।